लॉकडाउन पार्ट वन समाप्त हो चुका है और गत दिवस पीएम मोदी द्वारा लॉकडाउन पार्ट टू की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान बहुत से लोग घर पर खाली बैठे हैं और करने को कुछ काम नहीं है। वे या तो टीवी देखकर समय बिता रहे हैं या सोशल मीडिया पर। लेकिन वहीं सिरसा के बेगू रोड स्थित प्रीत नगर की गली नंबर 7 की महिलाएं इस समय का न केवल सदुपयोग कर रही हैं बल्कि इंसानियत के काम भी आ रही हैं। ये महिलाएं शासत नामजी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की सदस्य हैं और अपने सिलाई कटाई के गुण को उपयोग में लाते हुए प्रदेश के जरूरतमंद लोगों के लिए लगातार मास्क बना रही हैं। ग्रीनेस फोर्स की सदस्य मिठू इंसा ने बताया कि सभी सेवादार बहनें रोजाना 250 से 300 मास्क बना रही हैं और करीबन 2000 मास्क आसपास के क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों के लिए भेज चुकी हैं। वहीं वे बताती हैं कि लॉकडाउन के कारण बच्चे भी घर पर हैं, जिस कारण उनका काम तो जरूर बढ़ा है लेकिन वे अपने काम में फुर्सत का समय निकाल रही हैं और लगातार सेवा कार्यों में जुटी हैं। उनका मानना है कि इस समय जरूरतमंदों के काम आना बहुत बड़ी सेवा है। ये हम 25 के करीब बहने हैं, ग्रीनेस की सेवादार हैं, जो डेली यहाँ पे मास्क बनाने की सेवा करते हैं, मतलब कि और डेली अपना काम धंधा करके जल्दी, और ये बहने डेली लग जाती हैं सेवा पे, और हर रोज मतलब 250 से 300 के करीब ये बहने बना देती हैं। मतलब कि इधर इधर अगर हमारी गली का देखो तो हम मतलब कि 1500 के करीब जा चुके हैं। बाकी हमारा जो ब्लॉक है वो 15,000 के करीब मतलब कि हमारा है टारगेट की बनाएंगे। ये जैसे हर एक गांव डेली एक गांव को लेते हैं, झुग्गी झोपड़ी है जो मतलब कि अपना जो भी है रास्ते पे जो जाते हैं लोग जिनके पास मास्क नहीं होता उनको ये अपना बांटते हैं जो हमारे सेवादार हैं। नहीं, वो उनमें जज्बा बहुत है, वो अपना जल्दी काम निपटा लेते हैं और मतलब कि रोज रात तक वो लगे रहते हैं, सुबह शुरू हो जाते हैं। वो सारे ही ग्रीनेस के हैं मेंबर और हमारे को गुरुजी ने यही शिक्षा दी है, वो अपना जल्दी काम निपटा के हमारा टाइम बहुत अच्छा पास होता है। हम खुश हैं कि हमारे को ये सेवा मिली है, मतलब अपने लिए तो सारे जीते हैं लेकिन हमारे गुरुजी ने हमारे को दूसरों के लिए जीना सिखाया है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।